पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है। चौथा चैप्टर है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बताया जा रहा था, जिसमें आपको इनकोडर डिकोडर पढ़ा दिया गया, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ा दिया गया, हाफ एडर फुल एडर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। ठीक है, आज आपको डिस्प्ले डिवाइस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। डिस्प्ले डिवाइस में एलईडी का यूज़ किया जाता है और एलसीडी का यूज़ किया जाता है। एक एलसीडी होता है और एक एलईडी होता है। तो एलईडी में कुछ खामियां होने के कारण जो है अब एलसीडी यूज़ किया जाता है। हालांकि एलईडी का भी व्यापक रूप से यूज हो रहा है। ठीक है, एलईडी का भी व्यापक रूप से क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एलसीडी भी यूज हो रही है। तो एलसीडी के कुछ अलग फ़ायदे हैं और एलईडी के कुछ अलग फ़ायदे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एलईडी में नहीं मिल पाती थी तो वो एलसीडी में आपको क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, तो हालांकि एलईडी के बारे में हम लोग तो बहुत पहले से ही पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बता दिया गया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे लोग एलईडी के बारे में क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम और आगे देखते हैं कि कॉम्बिनेशनल जो सर्किट है उसमें आपका डिस्प्ले डिवाइस में सबसे पहले हमें एलईडी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एलईडी का मतलब है कि लाइट एमिटिंग डायोड। एक ऐसा डायोड जो लाइट को क्या करता है, एमिट करता है, लाइट का उत्सर्जन करता है। ठीक है, लाइट का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। एलईडी एक ऐसा पी इंजेक्शन डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। एलईडी ऐसे पी इंजेक्शन डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। पीएन जंक्शन डायोड होता है तो फॉरवर्ड बायस हो सकता है, रिवर्स बायस हो सकता है, लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में ही क्या करता है, वर्क करता है, और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में ही प्रकाश का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, एलईडी फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। एलईडी को गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, एलईडी को गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ईटीसी जैसे मटेरियल से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। देखिए, जो एलईडी होता है ना, एलईडी को सिलिकॉन से भी बनाया जा सकता है और जर्मेनियम से भी बनाया जा सकता है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी एलईडी जो है वो प्रकाश का कम उत्सर्जन करती है बल्कि हीट का ज़्यादा उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो इस वजह से हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का एलईडी ना बना करके गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जैसे मटेरियल का यूज करके हम एलईडी का निर्माण करते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन ज़्यादा करता है और हीट का प्रोडक्शन कम करता है। ठीक है, तो इस वजह से एलईडी को बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और गैलियम फास्फाइड का क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, एलईडी को गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड ईटीसी मटेरियल से बनाया जाता है। यदि एलईडी को सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से नहीं बनाया जा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे यदि हटा दे रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। एलईडी को सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से नहीं बनाया जाता है क्योंकि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम वाली एलईडी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, प्रकाश बहुत कम उत्पन्न करती है। वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, एलईडी की फॉरवर्ड वोल्टेज 1 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट तक होती है, 1.5 वोल्ट माना जाता है, लेकिन ये इसका रेंज अगर पूछेगा तो ये इतना आपको रेंज देना पड़ेगा, 1 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट तक इसका होता है। ठीक है, इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज का रेंज है 1 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट तक होता है। अब फॉरवर्ड वोल्टेज पूछेगा तो 1.5 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलईडी को सर्किट में लगाते समय इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे एलईडी में प्रवाहित होने वाली धारा क्या रहे, कम रहे। जब कभी भी एलईडी का यूज हम लाइट के लिए कर रहे हैं तो उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस को जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो करंट को लिमिट कर सके। अगर करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एलईडी हमारी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से करंट को लिमिट करने के लिए उसके सीरीज में जो है हमेशा एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जो करंट को लिमिट करता है। एलईडी का ये सिंबल होता है। ठीक है, एक पीएन जंक्शन डायोड है और यहाँ पे ये जो तीर का निशान आपको दिखाया गया है ये प्रकाश, ये बता रहा है कि ये प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, वो भी किस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पर फीचर्स ऑफ एलईडी, वैसे तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम आपको डिस्प्ले डिवाइस पढ़ा रहे हैं। कौन सी डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस में हम सबसे पहले एलईडी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
एलईडी का यह सिंबल होता है, इसके बारे में अभी हमने आपको क्या किया बताया। हालांकि सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डिटेल मैंने जो कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ एलईडी, एलईडी का फीचर्स क्या है। एलईडी का एक ग्रुप मिलाकर, कई सारी एलईडी को मिला करके अंक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वर्णमाला को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अंक का मतलब क्या है, डिजिट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। वर्णमाला को आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट को ABCD करके ये सब होता है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलईडी का एक ग्रुप मिला करके अंक या वर्णमाला के अल्फ़ाबेट डिस्प्ले किए जा सकते हैं, ठीक है। वर्णमाला के अल्फ़ाबेट डिस्प्ले किए जा सकते हैं, तो अंक भी डिस्प्ले किया जा सकता है एलईडी के माध्यम से। आप देख रहे होंगे कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर डिजिटल वॉच लगी होती है, ठीक है, तो उसमें एलईडी का यूज किया जाता है। आप देखेंगे कि 7:08, 8:09, 10:15, ठीक है, तो इस तरीके से उसमें टाइम डिनोट करता है, उसमें एलईडी का यूज किया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत कम वोल्टेज पे वर्क करता है, लगभग 1.5 वोल्ट, ठीक है। रेंज पूछेगा तो 1 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट, तथा कम पावर लॉस होता है, तथा क्या होता है, कम पावर लॉस होता है। इसे बहुत तेज़ी से ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है, एलईडी को बहुत तेज़ी के साथ ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है, ठीक है। इसे बहुत तेज़ी के साथ ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है। प्रकाश की मात्रा वोल्टेज कंट्रोल करके की जा सकती है, एलईडी में प्रकाश की मात्रा को जो है वोल्टेज को कंट्रोल करके किया जा सकता है, ठीक है। सब कुछ लिखे ही दिए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। यह स्ट्रांग डिवाइस है, झटके सह सकती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। थोड़ा छोटा मोटा झटका या थोड़ा ज़्यादा झटका जो है ये सह सकती है, ख़राब नहीं होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज इसका 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और मिनिमम क्या होता है, 0 से, ठीक है, इसका रेंज है। टेम्परेचर बढ़ने पे भी भली भांति ये क्या करती है, वर्क करती है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तब भी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। यह कई रंगों में उपलब्ध है, लाल, हरा, नारंगी और जितने भी कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स में लगभग एलईडी हमारी क्या है, उपलब्ध है। यह सस्ती तथा कई वर्षों तक कार्य कर सकने वाली डिवाइस होती है। अगर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक तो इंडिकेटर में इसका यूज करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड में इसका यूज करते हैं, डिजिटल वॉचेज में इसका यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स में इसका यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में इसका यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है अदर प्लेसेस पे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको क्या किया गया, बताया गया, तो एलईडी के बारे में लिख लीजिए, इसका सिंबल बना लीजिए, इसके फीचर्स को जान लीजिए और इसका एप्लीकेशन जान लीजिए। इससे ज़्यादा एलईडी के बारे में आपको जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ाना ज़रूरी है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एलईडी हो गया, एलईडी का ग्रुप पढ़ेंगे, देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एलईडी के बारे में। एक होता है एलईडी एलईडी आर ए, ठीक है, आर एज हो गया। यदि यदि एलईडी को ग्रुप में इस प्रकार कनेक्ट किया जाए जिससे अक्षर
जिससे अक्षर नंबर नंबर या अन्य सिंबल या अन्य सिंबल डिस्प्ले किया जा सके डिस्प्ले किया जा सके तो इसे एलईडी आरे रेज कहते हैं। ठीक है, अरे जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आप समझ जाइए कि ग्रुपिंग की बात हो रही है। कई सारे एलईडी को जो है ग्रुप में कनेक्ट करेंगे, उससे आपका अक्षर को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और डिजिट को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और तमाम सारी चीज़ों को डिस्प्ले किया जा सकता है एलईडी के माध्यम से। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आरे बोलते हैं। सबसे प्रचलित यहाँ पर लिखेंगे सबसे प्रचलित एल ई डी आर ए इंग्लिश में लिखिए ज़्यादा ठीक रहेगा। एल ई डी आर ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसमें 7 एलईडी, इसमें 7 एलईडी का यूज किया जाता है, इसमें 7 एलईडी का यूज किया जाता है, जिससे 0 से 9 तक के सभी डिजिट 9 तक के सभी सभी डिजिट डिस्प्ले किए जा सकते हैं, सभी डिजिट क्या किए जा सकते हैं, डिस्प्ले किए जा सकते हैं। सबसे प्रचलित एलईडी आरे कौन सा है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जिसमें 7 एलईडी होता है, और उसके माध्यम से 0 से 9 तक की डिजिट को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है हमारे सिलेबस में है, हम उसी के बारे में अभी देखेंगे। ठीक है, एक एलईडी को जो है सेगमेंट कहते हैं, एक एलईडी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो उसमें 7 सेगमेंट होते हैं, तो इस वजह से जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। अब एलईडी के बारे में आप लोग पढ़ ही लिए, तो एलईडी का ग्रुप पढ़ना है, तो एलईडी का ग्रुप 2 तरीके से होता है, एक में 7 एलईडी होता है और एक में 14 एलईडी होता है। तो जिसमें 7 एलईडी होता है, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसमें 14 एलईडी होता है वो अल्फ़ाबेट वाला अक्षर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर और लिख लेते हैं, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए
14 सेगमेंट डिस्प्ले यूज किया जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित क्या है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिसमें 7 एलईडी होता है। तो हम पढ़ेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। हमको इसी को क्या करना है, पढ़ना है। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, तो इतना हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि जगह मिल सके लिखने के लिए। हो गया। जहाँ पर आरे की बात की जाए, वहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो रही है, चाहे किसी भी चीज़ का। जैसे एक सोलर आरे होता है, तो कई सारे सोलर सेल का यूज ग्रुपिंग किया जाता है, तो उससे हमारा सोलर आरे बनता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे जब सोलर पावर प्लांट आपको पढ़ाया जाता है, तब वो चीज़ बताया जाता है। और अभी आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ेंगे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में देखते हैं। इसमें 7 एलईडी होता है, वो चीज़ पहले ही आपको लिखा दिया गया है। सात एलईडी होता है। इसका कनेक्शन दो प्रकार से होता है, इसका कनेक्शन दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला है कॉमन एनोड टाइप, ठीक है। इसमें एनोड को कॉमन करके सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तथा प्रत्येक एलईडी का कैथोड ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉमन एनोड टाइप में एनोड को कॉमन कर दिया जाता है। जितनी भी एलईडी यूज होगी ना, तो उसके एनोड को क्या कर दिया जाता है, कॉमन कर दिया जाता है। और प्रत्येक एलईडी के कैथोड को जो है अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है या ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे भी हमारा इसका कनेक्शन अगर देखेंगे एक प्रकार से, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो
ये सब क्या है एलईडी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है, ठीक है। तो अलग अलग नाम दे दिए गए हैं एलईडी का। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अब इसके माध्यम से आप 0 भी शो कर सकते हैं, 1 भी शो कर सकते हैं, 2 भी शो कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9। 0 से 9 तक के डिजिट को आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 7 LED है ना, इसमें दो तरीके से कनेक्शन होता है, एक तो कॉमन एनोड टाइप और एक कॉमन कैथोड टाइप, ठीक है। तो कॉमन एनोड टाइप हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो भी ये LED है मैं उसका कनेक्शन अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे मान लीजिए, देखिए अगर बीच वाला हटा देंगे ना तो 0 रिप्रेजेंट होगा। देखिए 0 रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, तो बीच वाला हम लगा दे रहे हैं उसी प्रकार से। अगर इसको हटा देंगे तो 6 रिप्रेजेंट होगा। देखिए इसको हटा दिए तो 6 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस प्रकार 0 से 9 तक की संख्याएं इसके माध्यम से क्या की जा सकती हैं, रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी LED के कनेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कई सारी LED को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो एक हमारा ये LED हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसको मिटा दे। तीन चार तीन सात हो गया, ठीक है। अब इसको हम सप्लाई से जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए LED का जो है ये एनोड है और ये वाला क्या है, कैथोड है। इस साइड वाला नीचे वाला सिरा आपका क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो ये प्लस वी वोल्ट से जोड़ दे रहे हैं, सप्लाई से जोड़ दे रहे हैं। और इसके प्रत्येक एनोड को हम क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे। वो एनोड को कर रहे हैं कैथोड को, ठीक है। प्रत्येक कैथोड को क्या कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये हमारा LED हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, अर्थ से जोड़ना है। तो एक प्रकार से सभी को हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। हालांकि ये अर्थ से जुड़ेगा, ग्राउंड, एनोड वाला हमारा क्या होगा, ग्राउंड होगा। अब इसका सिंबल क्या होता है, तो इसके सिंबल को भी क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए ए लाइट एमिटिंग को शो कर रहा है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा प्लस, मान लीजिए 5 वोल्ट से कनेक्ट है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, करंट को लिमिट करेगा। तो प्रत्येक LED के सीरीज में जो है एक रेजिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए जितने भी LED हैं उसका जो मेन वायर होगा उसके सीरीज में एक वायर आप जोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रत्येक में भी जोड़ सकते हैं। देखिए इसके एनोड को हमने कॉमन करके, ये क्या है हमारा एनोड है और ये वाला क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो सभी कैथोड को क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए 7 है ना, 4 3 7, तो 7 इस तरीके से सेट किया गया है, लेकिन कनेक्शन आपका इसी तरीके से होगा। तो ये क्या हो गया, कॉमन एनोड टाइप। अगर कॉमन कैथोड टाइप की अगर हम बात करेंगे तो कैसे होगा, देखिए कॉमन कैथोड टाइप, पहले इसको सभी लोग बना लीजिए। अब इसी में मैं दोबारा, ताकि हमको बनाना ना पड़े। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हो गया कॉमन एनोड टाइप हो गया, और अब कॉमन जो है कैथोड टाइप,
यहाँ पे बनाएंगे कॉमन कैथोड टाइप, कैथोड टाइप। तो कॉमन कैथोड टाइप में सभी एलईडी के कैथोड को कॉमन कर दिया जाता है, इसमें सभी एलईडी के कैथोड को कॉमन कर दिया जाता है, सभी एलईडी के कैथोड को क्या कर दिया जाता है, कॉमन कर दिया जाता है। और यदि किसी एलईडी, देखिए किसी एक को ग्राउंड कर दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पिछले वाले फिगर में हो गया, ठीक है। तो पिछले वाले फिगर में जिस एलईडी को आप ग्राउंड करेंगे तो वो क्या होगा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगी। यदि किसी एलईडी का एनोड सप्लाई से कनेक्ट किया जाए तो वह एलईडी फॉरवर्ड बायस में होकर प्रकाश का उत्सर्जन करती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या था, अब इसके अर्थ को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, जोड़ देंगे इसके अर्थ को, ठीक। अब ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, इसको किससे जोड़ दिया गया, ग्राउंड से, अर्थ से। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ये तो हमारा क्या है, ये सब का सब क्या है, एनोड है। तो अगर कोई भी हमारा प्लस वोल्ट सप्लाई से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, तो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में हो गया। क्योंकि देखिए इधर ये वाला पी टाइप हमारा पॉजिटिव से और एन टाइप हमारा निगेटिव से जुड़ गया, तो ये निगेटिव वाला काम करेगा, ये सप्लाई पॉजिटिव वाला काम करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कनेक्शन होता है। तो दोनों का फिगर आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। तो डिजिटल में डिस्प्ले डिवाइस आपका समाप्त हो जाता है, केवल और केवल एलसीडी बचा हुआ है, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक है। एक प्रकार से आपका चौथा चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।